कि जो हम तो हवा महल आ चुके थे, लेकिन गुरमीत के पेट में दर्द शुरू हो गया, तो बहुत खराब है गाइस। वही पता नहीं क्या सोचा था ना, मैं ठीक रहूंगी, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। जल्दी वापस जाना पड़ेगा, दो दिन की जगह एक ही जगह एक ही दिन रुकना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। तो गाइस हम लोग क्या, एक और हॉस्पिटल था मोनी फोर्टी से, सही है वहीं जाकर दिखाता हूँ। मेरी बेटी भी तो लेटी हुई है, मैं समझ नहीं आ रहा यार, हम लोग को डर भी लग रहा है यार, क्या हो गया ना। लेट जाओ बाबू, हाँ तो लेट जाओ ना फिर भी। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर सनमीत ब्लॉग। हम अब शाम के टाइम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं जाना हम लोग, हैप्पी आवर्स में और सुपी नाइट है ना, तो अभी नॉर्मली क्योंकि ना हमें अभी हमारे न्यू लुक देखने को मिलेगी, न्यू लुक अभी भूखेंगे या कुछ खा भी लेते हैं ना। अरे इधर आओ ना, यहाँ खड़े हो, खड़े हो बच्चे खड़े हो, चलो भाई लेफ्ट भी आ गया। और मैं इससे पहले सोचा था कि घर है, लेकिन घर नहीं था, लेफ्ट था, है ना। और ये रहे हम लोग, कैसे रह रहे, मुंह काटा हमारे। ऐसे ऐसे रहो, ऐसे रहो, प्रेगनेंसी आ रही है ना, पीछे 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 फोटो ले रहा हूँ, पीछे पीछे फोटो ले रहा हूँ, बस भाई ऐसे रहो, ऐसे रहना। चलो किधर है, लेकिन इधर है कहीं और है। चलो गाइस अब चल रहे हैं बुफे सिस्टम की तरफ। ये सिगार है, ये सारे सिगार है बेटे, सिगार है भाई, क्या खतरनाक खतरनाक सिगार है। देखो ज्वेलरी है, डायमंड है क्या, नॉर्मल है, नहीं 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 डायमंड नहीं है, कुंदन पोल के ज्वेलरी है। आ जाओ, ये भी पाया रानी यार, रानी यार, ये खतरनाक है थोड़ा। तो गाइस यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम जो है, जैसे कि हर राजस्थान में ऐसा होता रहता है, गिरना जा भाई, गिरना मत, गिरना मत, गिरना मत, गिरना मत, मछली है, फिश है, फिश है, फिश, फिश, जाओ डांस करो ना। गाइस अब स्टार्ट होने वाला पपेट शो। अच्छा ये क्या है, अच्छा गुड्डी गुड़ियों में डांस हो जाएगी। हम सूरज कुंड मेले से ना पपेट्स लेकर आ गए थे, हाय हमें इतना डर लगा, इतनी महंगी पपेट्स लेकर आए थे, फेंक दी हमने ऐसे ही। हम लोग रोज डर रहे थे ना, जाने कितना बड़ा है होटल, देखो वहाँ से वहाँ तक काफी प्रॉपर्टीज है और मसाले भी चल रहे हैं वहाँ, जल रही है मसाले उधर, काफी अच्छा दिख रहा है वैसे। ऐसे नीचे की तरफ भाई, उसमें कह रहे हो, उसमें दिखेगा अभी वो, आई थिंक कह रहा था ना, नहीं इसमें इसमें कहते हैं वो दिखता है, क्या कहते हैं, अच्छा स्विमिंग पूल के नीचे जाना है। ये मसाले जल रहे भाई, गैस है, मसाले नहीं, गैस है इसमें। गैस जल रहा है, देखो कल सुबह जाएंगे बेटा, अभी नहीं, तुम्हें बोलिए रहा, हम वहाँ थे, वहाँ हमारा रूम कौन सा, इधर है, इधर 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 कहीं इधर, हाँ वो सबसे ऊपर वाला उधर, वो वाला सबसे ऊपर वाला वही तो है। तो गाइस बैकग्राउंड आप देख ही रहे हो कितना ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत व्यू, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। अब इधर इधर वो इधर पेड़ पौधे और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, लाइट्स लाइट्स, ये रेस्टोरेंट है। चलो नंदन, भूख लग रही है, चलो आगे खाते हैं। पर्स लेना भूल गए थे तो वापस आ गए ऊपर, हम पर्स लेने के लिए पर्स लेके फिर निकलते हैं, क्योंकि गुरमीत क्या ना, चलो थोड़ा बाहर भी घूम के आते हैं। यहाँ नहीं बाबू, यहाँ ही बेल है, दिस इज बेल, धक्का मारो, धक्का मारो। अब रूम का होगा डेकोरेशन, लो बैग खोलो, मेरी बैग खोलो, चलो कार्ड निकालो बाबू, कैश निकाले। कैश होटल इतना बड़ा है कि पैर ही थक जाते हैं, क्या बताऊँ। चलो ये वाला खोला बेटा, चलो 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 चलो,
तो ना यही थक जाता है ये फ्रेम से यहाँ शीशा बहुत गंदा है। पता नहीं कौन से मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे बाबू चले? अच्छा एडिटिंग, क्या बात है। ऊपर देखो, ऊपर देखो जानू, एकदम फोटो जगह है सारी। तो चलो गाइस बाहर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ये है वो पियानो जो अभी से बजते रहते हैं। शराबी ये दिल हो गया ना भाई। ये व्यू देखो भाई, क्या बात, क्या बात। ओ, ये सच में स्पीकर ही है। बस मेन व्यू तो है पीछे का, देखा हूँ ये तो। जाने इधर आओ, बहुत ही पेड़ के अंदर लाइट, मजा आ गया देख के। इतना लंबा घूम गए यार हमारे मैडम। गाइस ये नया झूमर देखो, नीचे वाला झूमर भी होता है। चलो नमस्ते। ये है बाबा आदम जमाने के लिए थी। चलो है गाड़ी में आए, हम गाड़ी में आते थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। इन दिनों को देखो यार, ये नई चीज ड्राइविंग करने जा रहे हो। ये तो कहाँ चल, कहाँ चलना है लो भाई। ये कह रहे चल चला, रियल गाड़ी है वो, नकली नहीं है, ये रियल है। क्लासिक 3। आप वहीं बैठो, आप वहीं ड्राइविंग सीट पे बैठो। रोल्स रॉयस उस टाइम की। सो गाइस इतना लग्जरी होटल छोड़ के ये मुझे लेकर जा रहे हैं जयपुर की तरफ। हम जा रहे हैं जयपुर क्योंकि यहाँ से नहीं, एक्चुअली मैंने ही बोला कि कुछ टाइम के लिए निकलते हैं क्योंकि थोड़ा पास में ही है तो थोड़ा घूम आते हैं। अभी शाम का टाइम ही हुआ है, कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ। हमने वहाँ पे नाश्ता भी कर ही लिया था, जोया जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था ये होटल के अंदर। तो अब सोच रहे थे कि कुछ घूम लेते हैं, अब रूम से निकले हैं तो 12 किलोमीटर ही है यहाँ से जयपुर। तो मैंने कहा चलो कुछ ज्वेलरी वगैरह देख लेते हैं, वैसे मैं ज्वेलरी लवर हूँ बहुत ज्यादा, बट मुझे एंटीक और बढ़िया वाली ज्वेलरी चाहिए होती है। सो देखते हैं कि अच्छी कलेक्शन हो। वैसे तो दिल्ली से बेस्ट कोई नहीं है, सब दिल्ली से ही जाता है सब कुछ, लेकिन देखते हैं। दिल्ली हब है हमारा, लेकिन फिर भी हम दूसरी जगह जाके लेते हैं कुछ ना कुछ। चलो देखते हैं, चलो इस बार जयपुर घूम लेंगे ना, है ना। हाँ। बहुत दिनों को जयपुर घूमे हुए, तो कल तो आ नहीं पाएंगे। वैसे तो कल भी आ सकते हैं, लेकिन ना मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही बहुत ज्यादा। उस दिन हम यहाँ से यहाँ आए थे जान, हम लोग आ चुके हैं जयपुर सिटी। ये देखो गुलाब नगर जयपुर। गुलाबी नगर, अच्छा गुलाबी नगर है, गुलाबी नगरी, नगरी तो नहीं नगर लिखा है जान से। मतलब गुलाबी नगरी हो गई, पिंक सिटी मतलब जयपुर। तो गाइस चलते अंदर, गुलाबी नगर जयपुर में आपका स्वागत है। लो भाई चलो इसी बहाने वो यहाँ घूम भी लिए, बहुत दिन हो गया था घूमे, 3-4 बार आया लेकिन जयपुर नहीं आया था। चलो इसी बहाने यहाँ भी आ गया है ना, अभी यहाँ से गोल चक्कर से राइट और सीधा अंदर। गाइस पिंक सिटी जयपुर में आपका स्वागत है। तो ये रहा वो गेट जिसके थ्रू हम अंदर घुस रहे हैं भाई। पिंक सिटी के अंदर अब हम यहाँ बंद गए, अंदर जा रहे हैं, अंदर ही रहेंगे अब। लेकिन यहाँ गाइस एक चीज़ है, सब पीपी की खूब गाड़ी चला रहे, पागलों तेरे गाड़ी चला रहे हैं बिल्कुल, मतलब सेंस नहीं गाड़ी चलाने का। हैरान हो गई, दारू की दुकान है बहुत ज्यादा, सब जगह है, बहुत ही ज्यादा दारू की दुकान है। इतना ही मैं सोच रही कितना है, मतलब जितना लगता है खाने पीने उससे ज्यादा दारू पीने की दुकान है। हाँ। तो गाइस ये है छोटा हवा महल और इसके बाद दिखेगा ये बड़ा हवा महल। ये पूरा हवा महल वाले रूट है वैसे तो, और ये कपड़ों की बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ की मैं जा नहीं सकता क्योंकि मैं खरीद नहीं सकता तो पहन नहीं सकता। और ये पार्किंग है सदावा महल का ना, देसी की मिन्नू ठेका है, ठेका ठेका। गाइस हुआ यूं कि जो हम तो हवा महल आ चुके थे
लेकिन गुरमीत के पेट में दर्द शुरू हो गया तो इनको भी दवाई देना जरूरी था। तो बहुत खराब है गाइस, हालत इनकी ऐसे पता नहीं क्या। सोचा था ना कि मैं ठीक रहूंगी, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो पूरा ट्रिप ऐसे लग रहा है खराब हो जाएगा, तो शायद हमें जल्दी वापस जाना पड़े, दो दिन की जगह एक ही जगह एक ही दिन रुकना पड़ेगा ऐसे लग रहा है। तो गाइस हम लोग क्या करेंगे अब, इनको मैंने वैसे दवाई जो मुझे चाहिए थी वो दवाई मिल गई यहाँ पे, ठीक है। वही दवाई मैं लाया था वैसे होटल में रह गया क्योंकि मैं इधर आया तो, लेकिन वो तो अलग दवाई थी, यहाँ जो मेन दवाई होती है असली दवाई वो मिल गई यहाँ पे, तो ये अच्छा हुआ। चलो ठीक है गाइस, फिर अब इनको हवा महल दिखा के फिर अगर खाना लायक हुआ तो इनको खिलाऊंगा, अगर इनकी तबीयत ठीक रही खाना खिलाऊंगा, फिर नहीं तो फिर होटल में खिलाऊंगा, है ना। ज़रा ये हवा महल की बात, तो हम लोग आ चुके हैं हवा महल। लो भाई 6-7 साल बाद देखने को मिला हवा महल, मैं आपको भी दिखा दूँ। यहाँ पे फोन लेके ना भाई जगह फिलहाल हम यहाँ देखेंगे। तो ठीक है गाइस, मैंने आपको दर्शन करा दिए, हम भी निकलते फिर यहाँ से होटल के लिए, ठीक है। ऊपर जाओगे? चले जाओ, ये जाएगा ऊपर गाइस, ठीक है, इसे मैं ऊपर भेज रहा हूँ, फिर वहीं जाके कबूतर बोलते ना यहाँ पे है ना। अच्छा यहाँ ऊपर जाना चाह रहा था क्या? नहीं रहने, मैं चोट लग गया बेटू। तो भाई दर्श तो ऊपर खड़ा हो गया, क्या बात है क्या बात है। चश्मा उतार, चश्मा चश्मा मम्मी को दे, चश्मा मम्मी को दे, चश्मा मम्मी को दे, चश्मा मम्मी को दे दे, मम्मी को दे दे। इधर देख, इधर देख, बहुत ब्यूटीफुल व्यू लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल। गाइस देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, ये पूरा सर्कल है। तो गाइस ये तो हम लोग देख ही रहे थे, है ना। अब देखते देखते गुरमीत को ना बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया, और अब हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, वो इसलिए क्योंकि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा बहुत दर्द हो रहा है, इनका नीचे का पार्ट बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो हमने पता किया हॉस्पिटल के लिए, तो पता चला कि और सब तो छोटे मोटे बहुत सारे गवर्नमेंट, लेकिन हमें पता चला 40 है मालवीय नगर में, जयपुर में मालवीय नगर है, तो वहाँ है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, देखते हैं, होप अच्छे डॉक्टर मिल जाए वहाँ पे। स्लिप है मेरे पास, तो उससे क्या होगी जो डॉक्टर आराम से इजीली देख पाएंगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, उनको पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें इनको लेके जा रहा हूँ, क्या करने आया था और क्या हो गया था, मतलब समझ नहीं आता क्या सोचते हैं और क्या हो जाता है। अभी इस टाइम इंजॉय करने के टाइम था, तो हम लोग अभी हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं, देखो फिर भी कोशिश करते ठीक हो जाए, कुछ करें, ठीक है। टेबल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। जा रहा हूँ हॉस्पिटल, फटाफट जा रहा हूँ, जल्दी चले जाऊँ और हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब अच्छे डॉक्टर मिल जाए बस, और कुछ नहीं, मैं ये कहना, जब अच्छे डॉक्टर मिल जाए। हाँ बहुत सारे रेड लाइट है, देखो रेड लाइट ही रेड लाइट है, मैं होता जितनी जल्दी हो सके सोते पहुँच जाइए, लेकिन ये ना रेड लाइट बहुत सारे हैं, मतलब मैं इनको गोली दे भी दिया हूँ तब भी इनको फर्क नहीं पड़ा है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना ही पड़ रहा है, तो हॉस्पिटल जाके काम होगा गाइस, फिर डॉक्टर देखेंगे। क्योंकि मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया तो वो कह रहे फिर आसपास अगर कोई डॉक्टर है तो उनको दिखा दो, ठीक है। तो आसपास तो पता किया कुछ नहीं था, तो हॉस्पिटल छोटे छोटे क्लिनिक, लेकिन सब सरकारी था एक हॉस्पिटल, लेकिन हमें चाहिए थोड़ा बड़ा जिनको नॉलेज हो इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो 40 हॉस्पिटल जा रहे हैं, अब 6 किलोमीटर और रह गया बस, यहाँ भी रात को लोग पागल हो जाते हैं, दिल्ली वाला ही सिस्टम लगता है मुझे यहाँ भी, ऐसे 6 किलोमीटर यूँ निकल जाता है, लेकिन ये तो निकल ही नहीं रहा, ऐसे लग रहा है भाई बहुत स्लो, देखो अभी भाई कितना दिखा रहा है, 9-8 मिनट दिखा रहा है, 6 किलोमीटर 4 किलोमीटर रह गया भाई, इतना लंबा लग रहा है भाई, ऐसे लग रहा पता नहीं कितना दूर है, रात को वैसे हर रास्ता लंबा हो जाता है। मेरी जान को पता नहीं क्या, किसी की नज़र लगी मेरी बिटिया रानी को, कोई नहीं, चल रहा बाबू चल रहे, ठीक है।
गाइस हॉस्पिटल आ गया, दिख गया हॉस्पिटल, दिख गया एक और हॉस्पिटल था, 140 सी सही है, वहीं जाकर दिखाता हूँ। मेरी बेटी भी तो लेटी हुई है, बस समझ नहीं आ रहा यार, हम लोगों को डर भी लगने लगा, अब क्या हो गया, साथ लिखा भी नहीं, कुछ भी हो जाता है। तो ये हॉस्पिटल देख रहा है, इसमें ये क्या है आस पास, ये शायद करने के बाद दर्द हो रहा है बाबू, भी बाबू बोले भी आ रहा है, अंदर जाना था क्या, इधर रास्ता, हाँ चलिए आज रास्ता है, चलो वैसा आ गए, बॉडीज तो आ गए, चलते हैं अंदर देखते हैं अब क्या होता है। अभी आए हुए अंदर देखते हैं, हम गायना को बुलाएं, गायना भी बताएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वही बताएंगे। लेट जाओ ना, अब लेट जाओ बाबू, हाँ तो लेट जाओ ना, फिर भी लेट जाओ, बहुत दर्द तो बहुत हो रहा है, मैं देखता हूँ कुछ ठीक हो जाए, पूरी रात ही रहनी पड़ेगी।